こんにちは。Yo, yo, yo! Anime Lovers! 1039! क्या ही चैप्टर था? जैसे चैप्टर 1037 मेरे को बढ़िया लगा था लूफी और काइडो फाइट के क्रेजी आर्ट स्टाइल की वजह से, वैसे ही ये चैप्टर में भी जो पैनल्स ड्रॉ किया है उड़ा ने, देख के मज़ा आ गया। और क्योंकि बिग मॉम किड लॉ फाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था पहले से ही, तो ये चैप्टर तो एक प्योर गोल्ड था मेरे लिए। इंट्रो के बाद मैं थोड़ा और डेप्थ में बात करना चाहेगा या फिर आई शुड से बताना चाहेगा। वेल गाइस, बिलीबिली कॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, तुम जानते ही होगे, नहीं जानते? वेल, बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री विदाउट एड वाला वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे मस्त आर्ट स्टाइल वाले कॉमिक्स हैं। इसका ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एंड इस वेबसाइट में जितने भी कॉमिक्स हैं वो सब रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। एंड येलो इंटीरो, लेट्स बी गेन। चैप्टर स्टार्ट हुआ है मोमो के साथ। मोमो दिखा अपने को वही करते हुए जो वो बहुत टाइम से कर रहा था, एक के काइडो के बनाए फ्लेम क्लाउड्स को खींच खींच के फ्लावर कैपिटल से ओनिगाशिमा को दूर करना, उतना ही दिखाया उसका। और फिर आया मेन फाइट, और ये चैप्टर में बढ़िया ये था कि पूरे चैप्टर अच्छे से किड लॉ बिग मॉम के फाइट को दिखाया है विदाउट एनी इधर उधर का ज़्यादा सीन। इनका फाइट देखे मैंने बोला ना, मेरे को मज़ा आ गया भाई। लास्ट चैप्टर में याद है ना कि लॉ ने क्रूम किया था और किड ने लोहे के सांड से बिग मॉम को भर दिया था, तो उस टाइम ना मैंने सोचा नहीं था कि किड के अटैक से बिग मॉम का हाथ ही टूट जाएगा। वैसे ये टूटे हाथ के साथ बिग मॉम वो भल्लाल देव के बाप जैसी नहीं दिख रही? कैसे भल्ला तोरदाइला मार दे, ये तोरदारू बोलत है दादा मुई, तोरदाई के खसवा कुकुर आते, कैसे बे कुकुर। ईश भाई लबाओ, ये सब मैंने अभी छत्तीसगढ़ में बोला, ठीक है? और मैं ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बोलता नहीं हूँ, बट नाइस। एनीवेज, आई लाइक हाउ बिग मॉम अपने ही सोल को यूज़ करके फिर अपने हाथ को हील कर ली, और हील करके एकदम भाई बॉडी बिल्डर जैसा अपने बाइसेप्स का फ्लेक्स की। लव हाउ दिस एक्चुअली मेड मी लॉफ, ठीक है? हंसते हंसते मस्त बॉडी फ्लेक्सिंग बजी हो रही है। फिर दुनिया भर का लड़ाई किया बिग मॉम लॉ किड। बिग मॉम का वो लाइन मेरे को बढ़िया लगा कि ना जाने कितने लॉ और किड जैसे पायरेट्स आए हैं योंको को चैलेंज करने और मर के गए हैं। एंड दिस लाइन सूट्स बिग मॉम द बेस्ट कंसिडरिंग कि अभी के टाइम पे वही सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से न्यू वर्ल्ड पे रूल करने वाली पायरेट है। एंड याद है ना उल्टी को बिग मॉम ने अपने तीनों होमीज को फ्यूज करके वन शॉट किया था, सेम वे मतलब सेम अटैक से इस चैप्टर में भी बिग मॉम ने मतलब उसी अटैक को यूज़ किया है किड और लॉ के अगेंस्ट। बट एनीवेज, बिग मॉम के बारे में बात करने से पहले मैं इस चैप्टर के स्टार्स किड और लॉ के बारे में बात करना चाहता है। पहले तो बात करते हैं कानून की भाई, लॉ, ठीक है? देखो, लॉ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, और मैं उसके फीट्स जैसे कि काइडो के हाउशो को इन्फ्यूज्ड अटैक को डायरेक्टली टैंक कर देना क्रोम वूम से बहुत ऑलरेडी इम्प्रेस्ड था। और मतलब ऐसा है ना कि लॉ ने तो ऑलरेडी हद लेवल चीज़ें कर रखी है वानों में ऑलरेडी, तो मैं उससे ना ऑलरेडी सेटिस्फाइड था कि भाई हाँ, उसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रखी है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लॉ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हरकतें करेगा भाई। लॉ सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशंस, एंड ट्रस्ट मी, मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखा हुआ था स्टार्टिंग ऑफ वानो से, और इस बंदे ने उसको एकदम हद लेवल से सरपास किया है भाई। मतलब बंदा बिग मॉम के हाथों से मार खा रहा था फिर भी अपने अटैक को नहीं छोड़ा, एंड ही एक्चुअली डिड समथिंग जो किसी बिग मॉम को नहीं बल्कि पूरे ओनिगाशिमा क्या भाई, इवन फ्लावर कैपिटल को अफेक्ट किया। लॉ यूज हिज एवरीथिंग इन हिज लास्ट अटैक जिसमें भाई ने लिटरली इतना बड़ा क्रूम बनाया कि वो ओनिगाशिमा में बहुत बड़ा होल कर दिया, और लॉ का स्वॉर्ड एक्चुअली में नीचे फ्लावर कैपिटल को भी पियर्स कर दिया, विच इज क्रेजी। लास्ट चैप्टर में जब लॉ ने बिग मॉम के मुंह पे अपना स्वॉर्ड घुसा दिया था, तब मैं ये बोलने वाला था कि क्या लॉ अपने स्वॉर्ड के साइज को बढ़ा सकते हैं, बट तब मैं सोचा था कि क्या पता मे बी ओडा ने बिग मॉम को फ्रेम में लाने के लिए थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया। बट अभी लॉ के तलवार का साइज देख के भाई क्रेजी यार, मेरे को तो ये सीन देख के एकदम गूजबम्स आए। और ये अटैक पूरे ओनिगाशिमा को हिला के रख दिया, तो इमेजिन बिग मॉम कितना हर्ट हुई होगी इससे डैमेज होके। बट बिग मॉम से पहले मैं बात करना चाहता है किड की। किड माइंड ब्लोइंग,
इस चैप्टर में किड के फीट्स देख के मेरे को तो हद लेवल मजा आया, क्योंकि वानो वॉर में किड ना बस एज अ बतौली दिख रहा था, पता है, बस बोलने का काम है उसके ऐसा लग रहा था। बट चैप्टर 1038 और 39 में किड ने सबको दिखा दिया कि वो सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। लास्ट चैप्टर में सांड बनाना कम था क्या, जो इस चैप्टर में उसने लिटरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन बना दिया। और मेरे को अब लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ किड इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ योंको, क्योंकि यार बिग मॉम जैसी मोटी चमड़ी वाली औरत को बिना इंटरनल डिस्ट्रक्शन या फिर कॉन्करर्स के इन्फ्यूजन के भी बिना डैमेज करना इज नियरली इम्पॉसिबल। बट गेस वॉट, किड इज एक्चुअली डूइंग दैट। एंड इमेजिन अगर फ्यूचर में जब किड कोंकरर शाकी का इन्फ्यूजन करने लग जाएगा, और जब वो अपने लोहे से बने सांड या फिर जो भी है उसको कोंकरर शाकी से इन्फ्यूज करके मारेगा, किसी को फाड़ देगा भाई वो सबकी। और एक चीज़ मेरे दिमाग में ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को देख के आया, दैट इज किड के डेविल फ्रूट का पोटेंशियल, और आई शुड से किड के अपने डेविल फ्रूट के यूज करने का पोटेंशियल। मतलब अभी ये बंदा कैनन और सांड बना रहा है लोहे से, क्या पता आने वाले टाइम में हम लोहे का शेर, डायनासोर, एलिफेंट ऐसा कुछ देखे। इमेजिन भाई फ्यूचर में किड लोहे से एक ड्रैगन, लिटरली एक ड्रैगन बना दिया, तो भाई मतलब वो भी काइडो के साइज का, और किसी वे में उसमें बैठ के वो उड़ भी पा रहा है। मतलब क्या पता भाई फ्यूचर में उड़ भी पाए। वही मतलब ये सांड कैनन के चक्कर में ना किड और स्ट्रॉन्ग होने पे क्या क्या बना सकता है ये कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। मतलब यार लिमिट ही नहीं है ना इमेजिन करेगा भाई, क्या क्या बना सकता है सोचो खुद ही। एंड ऑल्सो लॉ ने जो गड्ढा बनाया है ओनिगाशिमा में उसको यामाटो और मोमो ने नोटिस किया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मोमो ओनिगाशिमा को धीरे धीरे करके फ्लावर कैपिटल से दूर पानी के ऊपर ला दे, और लॉ ने जो अभी गड्ढा बनाया उसके थ्रू यामाटो फायर डीमन और बॉम्ब फटाके को पानी में फेंक दे, जिससे ऑब्वियसली ना ही ओनिगाशिमा फटेगा और ना ही फ्लावर कैपिटल। अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ भी तो भी वो पानी में होगा मस्त, तो नो डेंजर टू एनी थिंग, ठीक है। ऑल्सो मोमो से मेरे को एक और चीज़ याद आया, दैट इज उसको किसी का आवाज़ सुनाई दिया, जुनेशा इज दैट यू, आई गेस दैट स्ट्रेंज आवाज़ इज़ जुनेशा, ठीक है, मतलब जो आवाज़ उसको मोमो को सुनाई दिया वो जुनेशा का ही है, जुनेशा कुछ बोल रही है, आई गेस जुनेशा मोमो का कुछ प्लानिंग बाजी होगा, मे बी जुनेशा फिर से किसी चीज़ को करने के लिए मोमो को ऑर्डर करने बोलेगी, मे बी वानों में लगे आग को बुझाने के लिए, क्या बता। एंड अब बात करते हैं उसी के बारे में जो मेरी फेवरेट एंटैगनिस्ट है इन दी होल वन पीस यूनिवर्स, वन पीस, बिग मॉम। मज़ा आ गया उसको भी देख के, वो फ्लेक्स और भल्लाल देव के बाप वाला सीन के अलावा भी बिग मॉम को देख के मज़ा आया मेरे को, स्पेशली दी लास्ट सीन जहाँ पे वो किड को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मार अपना तोप, मैं भी देखती हूँ क्या होता है उससे। एंड बॉय सैल्यूट टू दिस बुड्ढीज डिफेंस, इंटरनल डिस्ट्रक्शन वो भी इतना ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन को भी ये सहली, लॉ ने पूरा ताकत लगा दिया और ये बुड्ढी सहली हर चीज़। एंड क्या लगता है, क्या बिग मॉम हार गई किड के लास्ट अटैक से? मुझे तो नहीं लगता। वैसे किड के अटैक से मेरे को याद आया कि लॉ किड का थोड़ा नोकझोंक दिखा है चैप्टर के बीच में, जो कि ठीक ठाक था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके नोकझोंक में अभी के टाइम पे, बट इनके कॉम्बिनेशन अटैक्स मस्त थे, एंड बिग मॉम का उन सबको टैंक करना तो और मस्त था। और सच बताऊँ तो बिग मॉम का लास्ट में कॉन्फिडेंस देख के मज़ा ही आ गया यार, पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिग मॉम इनसे मज़े के लिए लड़ रही थी, लेकिन अभी ये सिर्फ इनको हराना नहीं चाहती बट एक्चुअली इनको एक ट्रू योंको होना क्या होता है ये भी दिखाना चाहती है। एंड तुमने एक चीज़ ध्यान दिया कि ये वाला जो फाइट है इसमें तीनों हाकी से ज़्यादा, तीनों मतलब बिग मॉम, किड, लॉ ऑब्वियसली, तीनों हाकी से ज़्यादा डेविल फ्रूट्स पे रिलाई किए हैं, विच अल्टीमेटली टेल्स अस कि इवन नाउ डेविल फ्रूट्स आर नॉट नर्फ्ड जस्ट बिकॉज देयर इज हाकी आउट देयर। हाकी है अच्छी बात है, बट सिर्फ डेविल फ्रूट से अभी भी बहुत बड़े बड़े कांड हुए जा सकते हैं। एंड ये ना बहुत लोगों को लगने भी लग गया था कि डेविल फ्रूट से फ़र्क नहीं पड़ता, हाकी से पड़ता है। ब्रो देख लो जो जो लूफी कर रहा है ना वो ये दोनों आई ई किड और लॉ भी कर पा रहे हैं, एंड ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है एक योंको के अगेंस्ट, क्योंकि एक तरफ से एक बंदा इंटरनली डैमेज कर रहा है और दूसरी तरफ से एक्सटर्नली डैमेज कर रहा, इंटरनल डिस्ट्रक्शन भी कर रहे और कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अटैक्स भी कर रहे। बट जैसे मैंने बोला, आई स्टिल बिलीव कि बिग मॉम हारी नहीं है, अभी तक अपन ने उसका कॉन्करर साकी इन्फ्यूजन ढंग से देखा नहीं है, आई गेस नाउ इज द टाइम जब वो हाउशो को इन्फ्यूज करके मारेगी, लेकिन क्या पता
हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में बिग मॉम डिफीटेड करके आ जाएगा, विच विल बी अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ठीक है यार, मतलब बिग मॉम उठ जाएगी मेरे को लग रहा है। वैसे ब्रेक तो नहीं है नेक्स्ट वीक, तो बढ़िया है, क्या पता अगले चैप्टर में इस फाइट का कंटिन्यूशन हो। लेकिन हाँ, लॉ इज़ टोटली एग्जॉस्टेड नाउ एंड आई बिलीव कि किड भी ख़त्म हालत में होगा अभी। एंड अभी बिग मॉम अगर इस अटैक को सर्वाइव कर दी होगी तो फिर लॉ किड को कोई मिरेकल ही बचा सकता है बिग मॉम उसे। वैसे ये दोनों यार लूफी के साइड है, तो मिरेकल्स तो इनके लिए, मतलब मिरेकल्स इनके लिए ही बने हैं। वैसे वानों में अभी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और मज़ेदार हो रहा है। लूफी काइडो फाइट, जोरो ग्रिम रिपर, फ्रैंकी शिट, ब्रोक रॉबिन एंड CP0 वाला जो चीज़ था, नेक्स्ट चैप्टर में इनमें से कुछ भी दिखाया आई एम हैप्पी विथ इट। बट ये वाला फाइट, बिग मॉम किड लॉ, ये वाला फाइट ही दिखाएंगे तो मज़ा आएगा। आई वॉन्ट टू सी बिग मॉम बीटिंग दिस शिट आउट ऑफ लॉ एंड किड, दैट्स माई फेटिश यू नो अभी के टाइम का। एंड दैट्स इट, वीडियो एंड मेरा ज्ञान देना होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय। お前はもう死んでいる。